हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल्स। ठीक है, इसमें आपको तीन पार्ट दे रखे हैं और उसके अंदर आपको प्रूफ करना है कि वो तीनों इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं, 1/√2। तो 1/√2 को आपको प्रूफ करना है कि ये इरैशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, वापस से क्वांटिटिक मेथड, दैट इज लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, तो 1/√2 को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में रख दिया और पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है कि दोनों अपने लोएस्ट फॉर्म में है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको मैं कर दूंगा रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो ये हो गया √2 इज इक्वल्स टू क्यू बाय पी। ठीक है, पी बाय क्यू था 1/√2, तो √2 क्या हो जाएगा, क्यू बाय पी। इसको ऐसा लिख सकते हैं √2/1, 1 लगाएं या नहीं लगाएं बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि √2 तो आ गया आपका क्यू बाय पी फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के फॉर्म में आ गया। तो क्या करेंगे हम कि फ्रॉम अबाव वी गेट दैट √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया, मतलब वो रैशनल नंबर है। बट वी नो दैट √2 इज इरैशनल नंबर, और हम जानते हैं कि √2 एक इरैशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफोर 1/√2 इज इरैशनल। ठीक है, हमने क्या करा है कि √2 को p by q फॉर्म में लिया है, तो √2 p by q फॉर्म में आ गया, मतलब कि वो रैशनल नंबर है। पर हम जानते हैं कि √2 इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने जो माना था वो गलत माना है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफोर 1/√2 क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज 7/5। अब 7/5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो सेम मेथड, क्वांटिटिक मेथड। तो लेट 7/5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको रैशनल मान लिया हमने, तो 7/5 क्या आ गया, इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि रैशनल की कंडीशन है, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, और पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, पी और क्यू में। तो क्या करेंगे हम, पी 7/5 इज इक्वल्स टू बाय पी बाय 7 क्यू। ठीक है, 7 इधर मल्टीप्लाई में था, 5 के साथ इधर आएगा, तो क्या हो गया, डिवाइड में। ठीक है, तो 5 इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू फॉर्म में आ गया 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि फ्रॉम अबाव वी गेट दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि p by q फॉर्म में आ गया 5, तो एक रैशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट √5 इज अ इरैशनल नंबर। ठीक है, इससे क्या आया है कि √5 एक रैशनल नंबर है, बट हम जानते हैं कि वो एक इरैशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफोर 7/5 इज इरैशनल। ठीक है, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, मतलब हमने अज्यूम क्या करा था कि √7/5 एक रैशनल नंबर है, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, तो क्या आ गया, 7/5 इज इरैशनल। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज 6/√2। अब 6/√2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो वापस से वही करेंगे क्वांटिटिक मेथड। तो लेट 6/√2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, 6/√2 को हम क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर है। तो 6/√2 इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू, वेयर
पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। तो 6 प्लस रूट टू को हमने पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया और पी और क्यू को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा कि रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6, प्लस 6 था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो रूट टू इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू, तो ये हो गया पी माइनस 6 क्यू बाय क्यू, ठीक है। अब ओवरऑल क्या आ गया, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया रूट टू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम कि फ्रॉम अबाव वी गेट दैट रूट टू इज रैशनल नंबर बट वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इससे क्या आ गया कि रूट टू पी बाई क्यू फॉर्म में है तो मतलब रैशनल नंबर होगा, बट हम जानते हैं कि वो इरेशनल नंबर है, तो हमने जो अज्यूम करा है वो गलत है, तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफोर 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। तो 6 प्लस रूट टू क्या हो गया इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 और आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होती है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 1.4 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।